हमारे यहाँ फर्नीचर पलंग सिंगारदान सोफा सेट अलमारी डाइनिंग टेबल फ्रिज कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। नांदेड़ जिले में भी दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होते जा रहा है। आज नांदेड़ शहर के सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1032 की रिपोर्ट की जांच की गई है, जिसमें 45 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ नांदेड़ ज़िले में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 103 हो गई है। देखिए, अभी एक तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में एक जो मुद्दा पूछा गया है, तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लॉकडाउन यह परिभाषा अभी करने वाले भी नहीं है, और लॉकडाउन का आज इमीडिएटली सोचने वाला बात भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर रेस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, यानी जो निर्बंध लगाए गए उसको इम्प्लीमेंट करना, ये चैलेंजिंग काम है और ये होना ज़रूरी है। और अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस में, जिसको हम ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस, ये एक नई व्याख्या निर्माण की गई है कि जिससे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन लॉकडाउन की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज ज़रूरी नहीं है, इतना मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ। रहा सवाल जो ECRP यानी इमरजेंसी कोविड रिस्पांस प्रोग्राम 2, ये जो केंद्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने कुछ निधि हमें दी है, निश्चित तौर पर यह निधि का जो अप्रूवल है वो अप्रूवल सितंबर एंड को मिला है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में हमने इस निधि का जो नियोजन मान्य किया था, वह नियोजन के हिसाब से हमने ये पूरा निधि जो जो ज़िलों में हमने ये प्लान में PIP में जो मंजूर होके आया है, ECRP में जो मंजूर होके आया है, उस डिस्ट्रिक्ट को ये सब निधि या फंड्स हमने एक्चुअली डिसबर्स किए हैं। और अभी उन्होंने जेम पोर्टल पे जाके उसका जो टेंडर्स और उसका जो कार्यवाही है वो की जा रही है। 100% हमारे जो ACS है, मिस्टर डॉक्टर व्यास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने उस मीटिंग में आश्वासित किया है कि आने वाले 15 दिन या महीने भर के अंदर निश्चित तौर पर ये सभी खर्चा बहुत गति से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।